जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करते हैं। जैसा कि इस वीडियो में हम आज फिर आपसे ऐसे हमारे तीन होनहार स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने धार भर्ती में फिजिकल और मेडिकल क्लियर किया है, और इनसे आज हम आपका परिचय करवाने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और कुछ स्टार्ट करने से पहले जो जर्नी इनकी रही है और जो टॉक है हमारी, इसके पहले मैं बोलूँगा, क्योंकि आज इनका बड़ा मन है कि हमारे शैलेंद्र सर जी का स्वागत करने का, और आज ये यहाँ पर आए हैं बच्चे। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम लगातार आपको उन चयनित विद्यार्थियों से फीडबैक लेंगे, क्योंकि हमने पूरी जो 10 दिन की जर्नी थी धार में, वहाँ पर हमने सर बहुत अच्छे जो बच्चे सिलेक्ट हुए, जो कहीं ना कहीं बाहर हुए किसी कारणवश, उनके भी हमने फीडबैक लगातार दिए। बट अब ये जो सेशन चल रहे हैं इसमें हमारे सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं यहाँ पर, और इनकी भी आप डिमांड कर रहे हैं, तो हम जैसे आप डिमांड करते हो वैसा हम आ जाते हैं आपके सामने, क्योंकि ये सभी तब पॉसिबल हो पाता है जब सर दोनों तरफ से एक आउटपुट मिलना चाहिए। क्योंकि हम अगर यहाँ से वीडियो बना रहे हैं, आप अगर उसको वॉच ही नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, आगे तक रीच नहीं करवाएंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं है, महत्व नहीं है। और आप ये करते हो, आपका सपोर्ट काफ़ी है, हम देख रहे हैं आपने काफ़ी सपोर्ट किया है, इस चैनल को भी काफ़ी सपोर्ट किया है, या जो आपका स्नेह है ये इसी तरह बनाए रखिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जो बच्चे हैं, हमारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, हमारे जो एक्स आर्मी मैन सर है सेलेन सर, उनका स्वागत करना चाहते हैं, तो सर प्लीज़ आप इनको दें और सर का स्वागत करें। ये हमारे गुरु हैं शैलेंद्र सर, और इन्हीं के मार्गदर्शन से ये सारी चीज़ें संभव हो पाई हैं, और आगे भी काफ़ी बच्चों को मोटिवेट करते हैं। और इनका मतलब जो एक प्रेम है, जैसे कि आपको पता ही है कि खुद एक एक्स आर्मी मैन है, इन्होंने अपना पूरा जो जीवन है वो देश को समर्पित किया है। अरे इसकी ज़रूरत नहीं। तो बच्चों का जो प्रेम है गुरु के प्रति, वो मान सम्मान हमेशा रहता है, और यही सारी चीज़ें हमें भी प्रेरणा देती है, हमें भी मोटिवेट करती हैं। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को पर खड़ा होकर हम ये जो आपके सामने रख पाते हैं, कहीं ना कहीं बच्चों के भी मोटिवेशन से हमें ताकत मिलती है, और इनके हौसले और इनके जज्बे को भी सलाम है। और सबसे पहले हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको दिल से बहुत बहुत बधाई हो कि आपने धार भर्ती में बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया और सिलेक्ट होके पूरी एकेडमी का नाम रोशन किया, अपने गुरु का नाम रोशन किया, और माता पिता गांव को प्राउड फील करवाया। साथ ही साथ आपके पेरेंट्स को, माता पिता को भी हम बहुत बहुत इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से शुभकामना देंगे, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ तक आपको भेजा। सबसे पहले जो गुरु हैं, वो ऐसे बोला जाता है कि माता पिता से बड़ा गुरु इस लाइफ में कुछ भी नहीं, उसके बाद जो आपको सिखाता है वो आपका गुरु है। तो कहीं ना कहीं माता पिता का एक सहयोग है इसमें, तो आपके पूरे माता पिता, पूरी फैमिली को बहुत बहुत हमारी पूरी टीम की ओर से, शैलेंद्र सर की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बधाइयाँ देते हैं, और बेस्ट विशेस आपको आपकी रिटर्न एग्ज़ाम्स के लिए। ये भी हम सारी चीज़ें आपको हमारी टीम की ओर से देना चाहते हैं। आप सभी देख ही रहे होंगे, ये हमारे सर हमने तीन वीडियो, एक तीन बच्चे अपन ने कल लास्ट वीडियो में हमने बताए हैं, और जो हमारे तीन ये शेर हैं, जो कि सुरेंद्र, पवन और नितिन। नितिन का 88 का फिजिकल है, पवन का 100 का फिजिकल है, और सुरेंद्र का भी 88 का फिजिकल है। अच्छा, सुरेंद्र का एक और इसमें अचीवमेंट है, सुरेंद्र ने CISF की भी रनिंग क्लियर कर ली है, और 5 किलोमीटर का इवेंट होता है, आप सभी को पता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर आती है, तो उसके लिए एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं। ठीक है, बहुत होनहार बच्चे हैं और लगातार ग्राउंड पे टिके रहे हैं, इनकी मेहनत आज रंग लाई, और इनको अगली जो स्टेप है रिटर्न एग्ज़ाम, उसके लिए एक बार फिर से बेस्ट विशेष शुभकामनाएं देंगे हम। और सर इनसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे इनकी जर्नी के बारे में, तो सर प्लीज़। धन्यवाद राजेश सर। जय हिंद दोस्तों। आप लोगों से मेरा एक ही सवाल है कि जो संस्था में आते हैं आप, वो संस्था में रह के आपको जो यहाँ ट्रेनिंग मिली है वो किस कदर की मिली है, ये आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि बच्चे जब आते हैं तो सब तरह से ये रहती है कि यार हमको, हम क्या यहाँ से सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हम यहाँ सुरक्षित हैं कि नहीं है, हमें क्या वर्कआउट सही मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। हम इस संस्था के अंदर, अग्निवीर की संस्था के अंदर, आपको शुरू से लेकर आखिरी तक हर चीज़ों को बताते आए हैं कि आप ये ना करें, सब चीज़ों को इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, हम लोग ग्राउंड पर कंटिन्यूटी चाहते हैं। तो आपका जो वर्कआउट शुरू में और लास्ट में बीच में कहाँ क्या हुआ वो थोड़ा बताएँ सर। यहाँ मैं आया था, यहाँ एक साल हो गया मेरा अग्निवीर डिफेंस अकेडमी, और सर ने, गुरु ने मेरे लिए बहुत मेहनत की, उसके लिए धन्यवाद दूंगा मैं, और मोटिवेशन देते रहे। आपका बीच में पैरों में भी बहुत तकलीफ आई थी, और आपने कहा था कि सर अब मुझसे लगता है कि अब मैं इस चीज़ से बाहर हो जाऊँगा, तो आप क्या ने? सर वो लास्ट के 2 महीने में हो गया था पैर थोड़ा, और उसमें आपने बहुत मदद की मेरी,
इनको मतलब मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्कआउट समान नहीं रहता है, एक डाउन भी होता है, बच्चा लड़खड़ा जाता है कहीं ना कहीं, डीमोरल हो जाता है कि अब मैं इस चीज़ से बाहर हो जाऊँगा करके। पैरों को लेके ये काफ़ी चिंतित थे, तो कुछ चीज़ें ट्रीटमेंट के तौर पे हम लोगों ने इस पर आजमाया और उन पर कारगर भी रहा। पवन से बात करना चाहेंगे, पवन आप? जैन सर, मुझे यहाँ पर आया कि 3 महीने हुए, मैंने यहाँ अच्छे से सर के मार्गदर्शन पर मैंने रनिंग वनिंग बढ़िया करी मेरी, पर मुझे पैर में प्रॉब्लम आ गई थी, तो उससे मैं रनिंग के पहले 15 दिन तो मैं डीमोटिवेट हो रहा था, तो सर मैं गांव निकल गया था कि अब मेरा कुछ हो नहीं सकता, तो सर ने मुझे कॉल किया, फिर उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, वहां से गांव से घर बुलाया, उज्जैन बुलाया, उज्जैन से फिर उन्होंने मैं मतलब मोटिवेट ने पैर का कुछ बताया मेरे ने, वापस से मेरा वर्कआउट भी चलाया, तो उससे लिए मैं धन्यवाद। ये एक बीच में पवन को ये समस्या आ गई थी, इनका भी घुटनों को लेकर पैर को लेकर काफ़ी समस्या थी, बोले सर अब मेरा हो नहीं पाएगा, क्या मैं क्या करूं, ये गांव मैंने फ़ोन लगाया तो पता चला कि ये गांव चले गए, मतलब गांव क्यों हो तुम बेटा, तुम इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे, तुम वापस आओ। ट्रीटमेंट के माध्यम से, कुछ डाइट के माध्यम से इनको वापस हमने रिकवरी करवाई इनकी पैरों के अंदर, और जो ट्रायल मैन फाइनल जो होता है, जिसको हम चक्री बोल सकते हैं, जो अभी महायुद्ध हुआ था जो धार के अंदर, उसमें इन्होंने पूरा एक अपना जोश दिखा के 300 लोगों के अंदर से इन्होंने 100 का फिजिकल लिया, मतलब आप समझ सकते हो कि 100 का फिजिकल लेना अपने आप में कितना मायने रखता है। और ये जो बच्चे यहाँ से असफल हुए, वो भी इस चीज़ को जानते हैं कि वाकई में कोई बंदा दौड़ता है तो काबिल तारीफ है, ऑटोमेटिक ताली बजने के काबिल हो जाता है बच्चा। तो अभी आगे हम चलते हैं, सुरेंद्र से बात करते हैं, सुरेंद्र का भी मेडिकल में एक महीना। हाँ सर, मेरे को संस्था पे आए को 10 महीने हो गए लगभग, मैंने संस्था पे टाइम टाइम पे अच्छा वर्कआउट लिया और इस जंग को जीती है। इसके बाद मेरे को मेडिकल में तो एक इमेज दे दी आँख में, लेकिन गुरुओं का और मेरी एकेडमी का मेरे साथ साथ रहा, जिससे मैंने वो मेडिकल भी क्लियर किया। उसमें 14 लोग मेरे साथ थे आईएएस की मेडिकल में, लेकिन मैं एक बंदा था जो फिट हुआ हूँ, मेरे ऊपर मेरे माता पिता और गुरुओं का आशीर्वाद रहा तभी मैं। मतलब ये मेडिकल के अंदर जब यहाँ आया तो सर अब मेरा क्या होगा, ये भी एक पड़ाव आता है बीच में कि अब मेरे को पॉइंट ऑफ डिसेबिलिटी दे दी है डॉक्टर ने। मैंने बोला बेटा धैर्य रखो, आप एक चेकअप भी करवाया इनका कि मेडिकल चेकअप यहीं पर करवाया, तो अपने को संतुष्टि हो गई कि हाँ अब अपन डेंजर जोन से बाहर आ सकते हैं। डॉक्टर का ओपिनियन ये था कि डॉक्टर ने बोला कि इनको मेजर मिस्टेक नहीं है, और वास्तव में वो चीज़ निकल के आई। तो एक अपने को क्या है कि बच्चों को हौसला दिलाना बहुत ज़रूरी है। इनके घर से इनके अंकल आए और वहाँ तक आए और बोले इलाज देखा, तो और वहाँ गए, इन 14 बच्चों में से खाली यही सफल हो गया है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि अपने आप में कितना कठिन है ये एक यात्रा जो है, एक संघर्षमय है। अब अग्निवीर कह तो रहे हैं, अग्निवीर बनने के लिए अभी बहुत दमखम चाहिए, अभी ये बच्चे रिटर्न के लिए हमारे पास ही हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि अपना अपना एक एडमिट कार्ड आप बच्चे लोग दिखा दें, है ना, क्योंकि यही आपकी क्योंकि यही ज़रूरी चीज़ है। देखने और तो आप समझ सकते हैं कि ये एक खुशी का पल रहता है गुरु के लिए और माता पिता के लिए, और ये इनका ये सम्मान था कि सर हम माला हम खुद नहीं पहनेंगे, और ये माला का हक पहनने का गुरु का रहता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये नितिन का और सभी, ये बेटा ठीक है, ये सारी चीज़ें देखिए हम क्योंकि ये डिज़र्व करते हैं इन सम्मान मान सम्मान के लिए, बच्चे डिज़र्व करते हैं, क्योंकि देखिए आप भी जानते हैं कि जो सर पहला पड़ाव बहुत टफ होता है, बहुत ही टफेस्ट प्रोसेस है, और इससे इन बच्चों को मोटिवेशन मिलता है, और आगे जो बच्चे कहीं ना कहीं डिस्क्वालीफाई हुए हैं आप भी इस चीज़ के लिए डिज़र्व करते हैं, बट आपको अपनी जो कंटिन्यूटी सर कंसिस्टेंसी है ग्राउंड पे प्रैक्टिस ना छोड़े, ये आपके लिए फिर से दोबारा समय आएगा, अवसर आपको मिलेगा, बट सर उस अवसर में आप खरे तब उतर पाओगे जब आप लगातार मेहनत करोगे, कंटिन्यूटी अपने ग्राउंड पे दोगे, चाहे कहीं पर भी प्रैक्टिस करो, बट ईमानदारी के साथ अगर आपने महू एआरओ की भर्ती देखी हो, अगर आप रिजेक्ट हुए हैं तो आप आज से ही प्रैक्टिस चालू करें कहीं पर भी। और आपको पता है जैसा कि पीछे स्लाइड चली रही है, यहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी का भी जिक्र मैं करता रहता हूँ, ये एक ऐसी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है हमारे इंडिया में, जो बच्चे इसमें 42 ईयर्स तक सर मौका मिलता है, अवसर ही अवसर है, जिनकी हाइट कम है, और सर सबसे ज़्यादा अगर यूथ आज के टाइम पर तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा टीए की भी तैयारी चल रही है, तो देखो कहीं ना कहीं अवसर की कमी नहीं है, उस सही तक पहुँचना अवसर को खोजना ये बहुत मायने रखता है। तो सारी चीज़ें आपको गाइड किया जा रहा है, आप जहाँ पर भी हैं उसके लिए प्रिपरेशन करें, जिससे सर के मार्गदर्शन में ये बच्चों ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। और मैं आपको हाँ बिल्कुल मतलब टोटली जो फ्रेश बच्चे थे जहाँ उन्होंने अभी लेटेस्ट 211 स्टूडेंट सर अपने फिक्स हैं, उसके अगर सारे पुराने बच्चों को भी अगर काउंट करें तो लगभग 35 के अबो बच्चे जा चुके हैं, ठीक है। और हम आपको जितना पॉसिबल होगा सभी बच्चों के यहाँ पर आपको रिव्यू करवाएंगे, फीडबैक दिलाएंगे। हाँ पवन,
मैं सभी भाइयों को कहना चाहता हूँ, जो भी अग्निवीर या आर्मी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, वो अपने सर गुरुजनों का मार्गदर्शन में रहे, वो बताते रहेंगे, उसी हिसाब से अपने की तैयारी करना है। जो अगर गुरु के बिना, वो कहता है ना कि गुरु नहीं होता तो अपना काम कम हो पाता, हम पहुँचते तो मंजिल पे, पर लेट पहुँचते हैं, और गुरु रहता तो हमें मंजिल पे क्या सही पड़ाव का अपने कब क्या रास्ता अपने को बताता रहते हैं। तो उनके लिए हम अपने गुरुजनों को ही धन्यवाद कहते हैं। पवन, इन बच्चों का काफ़ी मोटिवेशन हाई है, इनका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई है, और बच्चे देखिए बहुत ही सालीन सभ्य बच्चे हैं, और बिल्कुल कोई दिखावा नहीं है सर। ये इस चीज़ के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए डिज़र्व करते हैं, इसलिए आपके सामने इनका हम फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है। और आगे भी हम आपको यही प्रे करेंगे गुड से कि फाइनली जब ये वर्दी ले लें, उसके बाद फिर और भव्य जो इनका डिज़र्व करते हैं, जो कॉन्ग्रेचुलेशन हम करेंगे और सभी करते हैं मान सम्मान, और करना भी चाहिए, इससे बच्चों को प्रेरणा मोटिवेशन मिलता है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।